हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत पुंडरी स्थित अनाज मंडी में जन कल्याण समिति के द्वारा आयोजित जीरो बजट खेती प्राकृतिक कृषि सम्मेलन में किसानों को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस सम्मेलन की शुरुआत उन्होंने आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देकर की। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि जवानों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। वहीं केंद्र सरकार ने सेना को कार्रवाई करने के लिए पूरी छूट भी दे दी है। इस मौके पर सभी ने 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों से आह्वान किया कि वो सभी जहर युक्त रासायनिक खेती को छोड़कर शून्य लागत प्राकृतिक खेती को अपनाएं। ऐसा करने से खेती पर होने वाला खर्चा भी कम होगा तो वहीं उत्पादन भी बढ़ेगा। प्रचार मैं नहीं करता, मैं प्राकृतिक खेती का प्रचार करता हूँ। जैविक खेती से उत्पादन कम 3 साल होगा, लागत भी उससे कम नहीं हो पाती। कुछ कंपनियों ने उत्पाद बना करके किसानों को बेचने शुरू कर दिए, उनकी भी लूट खत्म नहीं हुई। मैं जो प्रचार कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ प्राकृतिक खेती का, एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती, लागत शून्य, उत्पादन इससे नहीं घटेगा। हमारे खेत आप जाके देख सकते हैं, वहाँ गेहूं है, चावल है, दाल है, सब्जी है, गन्ना, सब खेती है, लेकिन उसमें उत्पादन कम नहीं होता। अभी इसके लिए एक उदाहरण देता हूं मैं। हिमाचल प्रदेश में इस पद्धति को सरकार ने विधिवत अडॉप्ट किया है। 25 करोड़ रुपया पिछले वर्ष उन्होंने निर्धारित किया और वहां किसानों को ट्रेनिंग दी है। अब जिन किसानों ने एक फसल ले ली है उनकी रिपोर्ट हमारे पास आई है कि जी हमारा उत्पादन इससे कम नहीं हुआ, लागत शून्य हो गई, 1.5 गुना तो फायदा यही हो गया हमें। नंबर 2, जो जहर मुक्त, कोई आप जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, कोई आपको यूं कहे जी ये तो जहर वाला आहार है और ये बिना जहर का है, तो आप किसको खरीदोगे? बिना जहर वाला उससे महंगा मिलेगा तो भी खरीदेंगे। बिल्कुल सर। सत्य खबर के लिए पुंडरी से अंकित कौशिक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।